हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए ऊना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। इस कार्यशाला में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए शिक्षाविदों के सुझाव भी लिए गए, जबकि शिक्षाविदों के साथ शिक्षा से संबंधित एनजीओ के वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। लगभग 8 घंटे चले इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने बड़े ध्यान से सभी वक्ताओं को सुना और उनके सुझावों पर गौर किया। इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी उनके साथ मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति का समर्थन करते हुए इसमें विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से पढ़ाने का गुण होने का दावा किया। सभी ने नई शिक्षा नीति को पुरानी शिक्षा नीति से बेहतर बताया और पुरानी शिक्षा नीति में गलत ढंग से इतिहास को पढ़ाए जाने की बात कही। इन वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बताया। इससे पूर्व शिक्षा मंत्री ने डाइट सेंटर में एक पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के कंपटीशन से संबंधित पुस्तकें रखी गई हैं, जहां विद्यार्थी निशुल्क जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने सेंटर में ही औषधीय पौधारोपण भी किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कोरोना संकट के कारण लागू करने में विलंब होने की बात की और अब इसे बेहतर ढंग से लागू करने के लिए स्टार प्रोजेक्ट के तहत कार्यशाला को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने नई शिक्षा नीति के जल्द लागू करने की बात भी कही। आज हम ऊना में आए हैं और यहाँ पर हमारा मुख्य कार्यक्रम तो ये रखा गया है कि स्टार्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश के हर ज़िला में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वर्कशॉप करनी है और ये वर्कशॉप हमारी प्रातःकाल 10 बजे प्रारंभ होकर के सायंकाल 6-7 बजे तक चलती है और जो स्टेक होल्डर के साथ उसमें वार्तालाप होता है। तो उस काम की दृष्टि से ऊना आज आया था और आज ऊना ज़िला हमारा 6ठा ज़िला जहां पर हमारी ये वर्कशॉप हो रही है और हर वर्कशॉप में बतौर शिक्षा मंत्री मैं स्वयं उपस्थित रह रहा हूं। और उससे पहले यहां पर डाइट में आज एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है तो हमने भी सभी के साथ मिल करके यहाँ वृक्ष लगाया है और उसके साथ साथ यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ डाइट के कैंपस में बना करके दी है और जिसमें बच्चों को IAS HAS इत्यादि की कोचिंग के लिए पढ़ने के लिए सारे प्रावधान किए गए हैं। बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है और किताबों का कलेक्शन भी अच्छा हो रहा है और इसलिए आज उसकी भी ओपनिंग करवाई है तो उसके लिए मैं यहाँ पर डाइट को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देता हूँ। सर जब भी ये उम्मीद थी कि बदलाव आएगा लेकिन कोरोना संकट आया उसके बाद, तो अभी कोरोना संकट को देखते हुए नई शिक्षा नीति किस प्रकार से जो कार्यवाही देखिए कोरोना के कारण से थोड़ा गति में फर्क पड़ा है। बाकी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया उन सब कामों को हमने करना प्रारंभ कर दिया है और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनको हम प्रारंभ कर चुके हैं और अब उसमें हर चीज़ की समय सीमा निर्धारित है तो इसलिए हमने तो ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में हम उस समय सीमा से पहले भी बहुत चीज़ों को करने वाले हैं और उसी के अंतर्गत ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो है वर्कशॉप से ये भी तभी हो रही है। सर अभी प्रदेश में जो उपचुनाव